की सब है धोखा धोखा, एक ही रंग दोनों में साझा, तू ही हीर है तू ही रांझा, तू ही पगड़ी तू ही चुनर, तू ही दरिया तू ही गा, कल मोहे रंग दे के मंच पर मौजूद थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महागुरु पंडित अजय पोहनकर जी। हर सुरीले ने पूरी सच्चाई और मेहनत से सच्चे सुरों के इस मंच पर अपने अपने जलवे बिखेरे। मैं जो देख रहा हूँ कि आपकी लगन जो है आपको बहुत आगे लाएगी। कल मोहे रंग दे के इस मंच को अलविदा कहा। तन्मय, I'm really sorry, लेकिन आज आप eliminate हो गए। तन्मय की विदाई के बाद इस मंच पर बचे हैं सिर्फ 7 सुरीले। तो आइए करते हैं आगाज मोहे रंग दे के छठे हफ्ते का। नमस्कार, प्रणाम और स्वागत। रंग जाइए आज फिर से हमारे संग में मोहे रंग दे के रंग में। पिछले 5 हफ्तों से पूरे देश में अच्छे संगीत और अच्छे विचारों की अलख जगा रहा है मोहे रंग दे। भागती दौड़ती जिंदगी के शोर में एक सुकून का एहसास दे रहा है मोहे रंग दे। चैन सुकून और प्रेम के रंग में पूरी दुनिया को रंग रहा है मोहे रंग दे। आज हम छठे हफ्ते की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे साथ है आज 7 सुरीले रत्न। ये 7 रंग आज रंगेंगे हम सबको गुरु भक्ति के रंग में, क्योंकि आज हम संगीत के साथ साथ गुरु की महिमा की बात कर रहे हैं, गुरु की महत्व की बात करेंगे। कौन है ये गुरु, क्या होता है सद्गुरु, ये बात करेंगे। तो तुम्हारे गजल सम्राट पद्मभूषण श्री जगजीत सिंह जी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आज इस कड़ी का आगाज आपने गुरु वचन से किया। क्योंकि आज की हमारी थीम ही गुरुदेव पे है जी। तो मेरा फर्ज बनता था कुछ अच्छा भजन उनको सुनाऊं। और वैसे मैं सब पार्टिसिपेंट्स की तरफ से, अपनी तरफ से, हंसराज जानसर की तरफ से आपका स्वागत करते हैं इस परिवार में। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। अब जोरदार तालियां हमारे दूसरे गुरुजन श्री हंसराज हंस जी के लिए। पार्टिसिपेंट्स, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा आगाज किया, थैंक यू। जगजीत जी, आज हम गुरु के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपसे पूछना चाहूँगी आपकी नज़र में गुरु की क्या महत्व। गुरु का बहुत महत्व है, खास तौर पे संगीत में। तो जब अहंकार मरता है, ईगो मरती है, तकब्बुर मरता है, फिर जाके सुर प्रवेश करता है, फिर जाके सही और सच्चा सुर लगता है। तो इस वजह से वो खुशकिस्मत लोग हैं जो गुरु वाले हैं, और वो खुशकिस्मत लोग उससे भी जिनको गुरु कामल मिल गया। तो अगर कामल मुर्शिद मिल जाए, पूरा गुरु मिल जाए, तो फिर कमाल ही हो जाता है। बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हंस जी के इन गुरु वचनों के बाद अब शुरुआत करते हैं सुरों के सफर की। तो सबसे पहले अपने सुरों से हम सबको गुरु का मोल समझाने आ रही है। संगीत में परिवार में जन्मी, शास्त्रीय संगीत के माहौल में पली बड़ी, दिल्ली की सुरीली मोहे रंग दी की शेरनी अदिति। गुरु क्या मिले, धन
बहुत खूब। अब जानते हैं हमारे गुरुजनों से। आदित्य, आज तुमने थोड़ा सा अपना स्टाइल से हटके गाया लगता है जी। थोड़ा घबराहट लग रही नजर आ रही है। घबराहट इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं, तुम्हारे गाने में कॉन्फिडेंस नहीं। आज मैं प्रयास कर रही थी। ओवरऑल प्रयास आपका अच्छा है? बहुत अच्छा है। भजन की वर्डिंग कमाल है। आपके सुर में वो कंपन भी नहीं होनी चाहिए, वो झूलना इतना। ऐसे कुछ हो रहा था। आपका पहले नहीं मैंने कभी ऐसा सुना। वो शेरनी बनो। हमारे गुरुजनों की बात तो आपने सुन ली। अब एक और गुरु है, एक और जो आपके बारे में कुछ कहना चाहते हैं और हम उनको यहाँ बुलाना चाहते हैं। ये है पंडित श्रीदत्त शर्मा, जो ध्रुपद गायकी के बहुत ही सम्मानीय हस्ती है हिंदुस्तान के। आपसे पूछना चाहूँगी, अदिति बेटी कैसी है और शिष्य कैसी है? अदिति बेटी भी बहुत अच्छी है, शिष्य भी बहुत अच्छी है। और आज जो परफॉर्मेंस इन्होंने दिया, आपको कैसा लगा? अच्छा गा रही थी, भाव से गा रही थी। होता है कभी कभी, कोई बात नहीं, अच्छा गा रही हैं। शुक्रिया। और आपके पिताजी के साथ साथ आपकी माता जी भी आई हुई हैं, उनका हम स्वागत करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी। थैंक यू अदिति। मोहे रंगदे में हमारे सुरीले रत्नों का सौभाग्य है कि उन्हें एक नहीं दो दो सदगुरु मिले हैं, और दोनों ही गुरुजनों के आशीर्वाद से हमारे सुरीले रत्न आप तक चैन, सुकून और सच्चे सुर पहुंचा रहे हैं। गुरु महिमा के रंग जारी रहेंगे मोहे रंगदे के संग। थोड़ी देर में वापस आते हैं, रंग देगा संसार को एक बार फिर से जब लौट आएगा मोहे रंगदे। फिर से रंग जाइए सच्चाई, संगीत और गुरु भक्ति के रंग में मोहे रंगदे के संग में। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी अदिति ने गुरु भक्ति का एक रंग प्रस्तुत किया, और अब बारी है हमारे दूसरे सुरीले रत्न की। ये है जयपुर का सुरीला मुश्ताक। शाह मर्दान शेर यज़दान कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला फैज़ इल्ला ज़ुल्फ़िकार आहे मन कुन तो मौला अली मौला 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 मन को मौला मन मन कुन को मौला मन आए मन कुन को में हकीकत भी अल्लाह मोमाई हर चश्मे हकीकत भी अल्लाह मोमाई मौला हम बल्ला और हम बल्दे मौलाई
मुश्ताक, जोरदार तालियां मुश्ताक के लिए। सुनते हैं गुरुजनों से उन्होंने क्या सोचा आपके सुरों के बारे में। मुश्ताक, तुम्हें देख के एक शेर याद आ रहा है आज। ये उदास उदास नजरें, ये थकी थकी सी आवाज, तुम्हारी सुबह बता रही है तुम्हारी रात का फसाना। अच्छा गाया, शुक्रिया। मौला अली द कॉल और हुजूर पाक से उनकी नस्बत मोहब्बतें, अली माने मनस तो मनम गुलाम अली, अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। जीदारी से गाते हैं और बहुत लोगों से अच्छे हैं। इन सब के लिए मैं बस एक ही दुआ करता हूं कि अल्लाह इनको आसानियां फ्राहम करे और इन्हें आसानियां तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। हम भी यही दुआ करते हैं मुश्ताक, शुक्रिया। जगजीत जी, आपसे पूछना चाहूँगी, आज क्योंकि थीम गुरु है तो आपके गुरु कौन है और उनके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। गुरु जो मैं ऑफिशियली अनाउंस करता हूँ वो उस्ताद जमाल खान साहब हैं, सैन्य घराने से जी, जिनसे मैंने ध्रुपद शुरू किया, फिर मैंने ठुमरी शुरू की, फिर अल्टीमेटली गज़ल पे अटक गए। तो एक पोजीशन ऐसी आ जाती है कि जो दुनियावी गुरु हैं उनके बाद बंदा जो है ख़ुद अपना गुरु बनता है, खुद को तलाश करना पड़ता है, खुद अंदर से तलाश करना पड़ता है। तो वो सिचुएशन आ जाए तो फिर तो क्या बात है, फिर वो बंदा वहाँ तक पहुँच सकता है। जी, बहुत खूब, शुक्रिया जगजीत जी। और अब बारी है हमारी तीसरी रत्न की, जिन्हें पिता के रूप में गुरु मिले, संगीत में परिवार मिला, हिंदुस्तान के भजन सम्राट ने जिन्हें अपनी शिष्या बनाया, वही है हमारी जया। आपको पिता के रूप में ही गुरु मिला, तो आप जरा उनके बारे में बताएंगे। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, शायद पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म मैंने किए होंगे कि मुझे पिता रूप में गुरु प्राप्त हुए। अपने गाने की शुरुआत भी उनका आशीर्वाद लेकर ही करना चाहूँगी। आपके पिताजी आज यहाँ आए हुए हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। वेलकम टू द शो सर। धन्यवाद। आपसे जानना चाहूँगी जया शिष्या के रूप में कैसी है। शिष्या के रूप में बहुत अच्छी है, अच्छा कार्य कर रही है, अच्छी तरह से सीखा है, बाकी तो ये सब गुणीजन लोग बैठे हैं वो ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं। जी, आप उनका आशीर्वाद लेके गाना शुरू करना चाहते हैं। ऑल द बेस्ट टू यू। जाओ
बहुत खूब, बहुत ही खूबसूरत गाया आपने, जोरदार तालियां इनके लिए। थैंक यू वेरी मच। अब जानते हैं हमारे गुरुजनों से कि उन्होंने क्या सोचा आपकी गायकी के बारे में। जया, थोड़ा सा अभी तुम्हें ट्यून लगता है याद नहीं हुई है। कोशिश कर रही थी कुछ नया आपको सुनाने की। नहीं, जब परफॉर्मेंस करो तो पूरी याद होनी चाहिए ट्यून, नहीं तो एक्सप्रेशन रह जाएंगे, इमोशंस रह जाएंगे। बाकी तुम तो अच्छा गाती हो, आवाज़ भी अच्छी, तुम्हारी रेंज भी अच्छी, तुम्हारी तरफ से कोई कमी नहीं। थैंक यू सर। थैंक यू। मैंने यही जाना है आज तक कि ये वाहद एक आर्टिस्ट है जो डे बाई डे इम्प्रूव करते हैं। थोड़ा सा अंतर गुनगुना के दोबारा दिखा दे। ये और अच्छी होनी चाहिए। चाहिए आपको खास तौर पे। अब आपके पिताजी जो आपके गुरु भी हैं, उनसे जानना चाहूंगी कि उन्होंने आपकी गायकी के बारे में क्या सोचा। संगीत जो है वो जिंदगी भर सीखने की चीज है। जैसे आज ही गाया और कहीं फंस गए तो वो सिर्फ गुरु लोग ही बता सकते हैं। मैं उस तरीके का गुरु नहीं हूँ, ये गुणीजन लोग ये बैठे हैं आपके सामने हैं, लेकिन फिर भी जो परंपरा से हटके कुछ किया है तो उसमें आप फंस भी सकते हैं और निकल भी सकते हैं। शुक्रिया जया, थैंक यू वेरी मच। तो संगीत हो या जीवन, दोनों के दोष गुरु ही मिटाता है, दोनों में पार गुरु ही लगाता है। अपने अपने गुरुओं में भक्ति और आस्था बनाए रखिए। इस वक्त हमें थोड़ी देर के लिए दीजिए विश्राम, फिर से रंग देगा आपको जब लौट आएगा मोहे रंग दे। स्वागत है फिर से, रंग जाइए सच्चाई संगीत और गुरु भक्ति के रंग में, मोहे रंग दे के संग में। पूरा देश हमारी इस मुहिम मोहे रंग दे के लिए बहुत से सुझाव दे रहे हैं। अगर आपके और भी कोई विचार हैं तो आप हमें moherangde@pragyatv.com पर ईमेल कर सकते हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं हमारे चौथे रत्न को। अपने सीधे सादे स्वभाव से जीत लिया है जिन्होंने हम सब का हृदय, वही है आबू रोड के धनंजय। श्याम राधे कोई न कहता, सब कहते राधे श्याम। श्याम राधे कोई न कहता, सब कहते राधे श्याम। जन्म जन्म के भाग जगा दे एक राधा का नाम, एक राधा का नाम। राधा के बिना श्याम आधा, राधा के बिना श्याम आधा, आधा आधा आधा। राधा के बिना श्याम आधा, कहते राधे श्याम। जन्म जन्म के भाग जगा दे एक राधा का नाम। बोलो राधे, बोलो राधे, बोलो राधे, राधे राधे, बोलो राधे। व्यर्थ पड़ा माला बिन मोती, व्यर्थ रही दीपक बिन ज्योति। व्यर्थ पड़ा माला बिन मोती, व्यर्थ रही दीपक बिन ज्योति। चंदा बिना चांदनी कैसी, सूरज बिना धूप ना होती। व्यर्थ पड़ा माला बिन मोती, व्यर्थ रही दीपक बिन ज्योति। चंदा बिना चांदनी कैसी, सूरज बिना धूप ना होती। बिन राधा के कहाँ है पूरा नटनागर का नाम। बोलो राधे, बोलो राधे, बोलो राधे।
भाग कहते राधे श्याम, जन्म जन्म के भाग जगा दे एक राधा का नाम। बोलो राधे, 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 राधे। बहुत खूब धनंजय। शुक्रिया। डायरेक्टली गुरुजनों से पूछते हैं कि उन्होंने क्या सोचा आपके परफॉर्मेंस के बारे में। धनंजय जी तो वैसे अच्छा ही गाते हैं हमेशा, लेकिन आज की थीम के हिसाब से तो भजन जरा आउट ऑफ प्लेस लग रहा है। किसको गुरु मानेंगे, श्याम को कि राधा को? आज की थीम के हिसाब से सर, जैसा कि आपने फरमाया था कि माता पहली गुरु है, तो यहाँ पर नारी के रूप में मतलब राधा को हम पहला गुरु मान लें, अच्छा रहेगा। ठीक है हंसराज जी, माँ के लिहाज से जैसे आपने लॉजिक दिया, वो तो गुरु ना माने तो शाम को भी तो माँ ने जन्म दिया तो माँ तो सबसे बड़ा दर्जा है, तो उस लिहाज से ठीक है। बाकी कंपोजिशन बहुत शरीफ है, आप जैसी बिल्कुल बहुत शरीफ, बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया। शुक्रिया धनंजय। थैंक यू। क्योंकि आज हम गुरु की बातें कर रहे हैं, तो हमारे दूसरे गुरुजन हंसराज हंस जी से जानना चाहेंगे उनके गुरु के बारे में। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे बहुत सारे उस्तादों से प्रसाद की शक्ल में हासिल करता रहा, उनमें से नुसरत फ़तेह अली खान साहब हैं, उस्ताद सलामत अली खान साहब हैं। मैं आजकल ये महसूस कर रहा हूँ कि परफेक्ट सुर लगाना, एक्यूरेट, पता चले कि सुर का पहाड़ जितना बुलंद दर्जा है वो मैंने सिर्फ जो मेरे साथ बैठे हैं गुरुजी उनसे, उनके आगे सरेंडर करना चाहता हूं। मैं आज ऐलान करता हूं, मैं मना रहा हूं कि काश मुझे ये कबूल कर लें और मैं इन इनके कदमों में बैठ के सीखना चाहता हूं। आप अभी भी सीखना चाहते हैं जगजीत सिंह जी से? अरे अभी भी क्या, कभी भी सीखना चाहिए टिल एंड। तो मेरी नज़र में गुरु शब्द वही भगवान से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गुरु ही रास्ता दिखाता है सुर का, तो सुर दिखाता है मंजिल मकसूद का, जो असल मंजिल है बंदे की। और अब आ रहे हैं हम सबको अपने सुरों से सुकून देने वो सुरीले रत्न, जिन्होंने अपने दादा में ही अपने गुरु को पाया, उनसे ही प्रेरणा और ज्ञान पाकर खुद को सुरीला बनाया। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए गुलाबी नगर की शान, मोहे रंग दे के रहमान। जाना हमें के
शुक्रिया। मेरे ख्याल में तो आपने बहुत ही अच्छा गाया। शुक्रिया शुक्रिया। लेकिन गुरुजनों से जानते हैं, बहुत हमेशा की तरह आज भी आपने बहुत पुख्ता गायकी का सबूत दिया। यही आर्टिस्ट है, बस इसी को आर्टिस्ट कहते हैं। अच्छी गजल चुनी आपने, मुझे एक शेर याद आ गया। आता कीजिए सर। कतिल शफाई का शेर है, ये मोजज़ा भी मोहब्बत कभी दिखाए मुझे, ये मोजज़ा, मोजज़ा मतलब करामात, करिश्मा, ये मोजज़ा भी मोहब्बत कभी दिखाए मुझे, कि संग तुझ पे गिरे, संग पत्थर के संग तुझ पे गिरे और चोट आए मुझे। वाह क्या बात है, तुमने अच्छा निभाया। हाँ इस तरह ही बस कोशिश करते रहो। हाँ बस जम के गाओ। रहमान आपसे जानना चाहेंगे, आपके घराने में ही आपके गुरु हैं, आपने बचपन से ही संगीत घर में ही सीखा है, तो आप कुछ उस बारे में बताइए। उस परवरदिगार का बड़ा एहसान है, करम है, क्या मेरे दादा को अल्लाह ने जरिया बना के भेजा मेरे लिए गाने के लिए, और हमारे यहाँ के बुज़ुर्ग गाया करते थे। मैंने मेरे दादा के बाद अपने बड़े पापा निसार हुसैन, रेडियो आकाशवाणी पे तबला प्लेयर हैं, वो गाते भी बहुत अच्छा हैं, उनसे सीखता हूँ। और मेरे चाचा हैं इंतज़ार हुसैन, मेरे दादा हमेशा यही कहा करते थे, जहाँ से जो मिले, कितना भी मिले, ज़रूर लेना चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वो गुरु होता है जिससे सीखा। एक अगर एक चीज़ भी सीखी, नुक्ते का उस्ताद होता है, तो हमेशा उसका नाम भी ज़रूर लेना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रहमान। शुक्रिया। थैंक यू। आज गुरु भक्ति की बात हो रही है, और हमारे सात सुरीलों के इस सफ़र की बागडोर भी हमारे गुरुजनों के ही हाथ में है। जो भी अपने सुरों के रंग से रंग देगा गुरुजनों का मन, वही पहुंचेगा मोहे रंग दे के ग्रैंड फिनाले में। हम लेते हैं एक छोटा सा विश्राम, थोड़ी देर में फिर लौट कर आएगा और रंग देगा आपको मोहे रंग दे। स्वागत है फिर से, रंग जाइए सच्चाई, संगीत और गुरु भक्ति के रंग में, मोहे रंग दे के संग में। और अब आज के सुरीले सफर को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं हमारे छठे रत्न को। इन्होंने छोटी उम्र में ही संगीत और नृत्य में पूरे देश में नाम किया। यही है पंजाब और हरियाणा की प्यारी सोनिया। सोनिया, जैसे हम बात कर रहे थे, माँ ही सबसे पहले गुरु होती है, जैसे जगजीत सिंह जी ने कहा था, आप मानती हैं उस बात को? हाँ जी बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा है कि मेरे गुरु मेरे मम्मी डैडी ही हैं। और जैसे कि मैं यहाँ पे बॉम्बे में आई हूँ, तो इतने बड़े गुरुजन मेरे सामने बैठे हैं, कभी कंफ्यूज हो जाते हैं तो वो कहते हैं नहीं यू कैन डू इट, हमें तुमसे आशा है। जिनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिले, और खासकर मम्मी डैडी तो अपने गुरु होते हैं और भगवान भी अपने गुरु हैं। तो आप अपने गुरुजनों को मानकर आज के परफॉर्मेंस के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जो कि ये हो दाता
गीत सुनकर तो मैं भावुक हो गई। थैंक यू। आपने ये गीत क्यों गाया? वैसे ये सॉन्ग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और इसमें माँ बेटी का एक कनेक्शन आया है और अगले जन्म हुई बिटियाना की जो एक ऐसा भाव आया है, तो मुझे मतलब सॉन्ग बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं गाना चाहती थी इसलिए। ये आजकल प्रॉब्लम है कि फीमेल चाइल्ड को इन्फीरियर समझा जाता है, इसलिए अभी बॉडी विशेष के हमारे यहाँ लड़का हो तो आप पॉजिटिव सोचिए, ऐसा मत सोचिए कि अगले जन्म में बिटिया ही करना, ताकि यू कैन फाइट। जी, जब से दुनिया बनी है और औरत से डिस्क्रिमिनेशन होती रही है, साइंस के मामले में इतनी तरक्की कर गए हैं, तो साइंस की तरक्की ये हुई है कि अल्ट्रासाउंड हो, बेटी हो तो उसको ख़त्म कर दिया जाए, बेटा हो तो रख लिया जाए, बेटा चाहे माँ बाप का जीना हराम कर दे, बेटियाँ जो हर दुख दर्द में माँ बाप के साथ खड़ी होती हैं उनके साथ इतनी यानी नाइंसाफ़ी हो, इस वजह से दुखी दिल से औरत कहती है अगले जन्म मुझे बिटिया ना कीजिए। हमें शर्म आनी चाहिए, कहते मैं तो शर्मिंदा हूँ इस दौर का इंसान होकर जिसमें औरत ये सोचती है कि अगले जन्म में मुझे बिटिया ना कीजिए। हम बेटियाँ अपने पेरेंट्स को बहुत प्राउड करती हैं, तो अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजिए। ओके जी, शुक्रिया। थैंक यू। और अब सिर्फ एक और रंग बचा है और उसके बाद फैसला हो जाएगा कि आज इन सात सुरीले रत्नों में से सबसे पहले कौन अपने आप को सुरक्षित करके मोहे रंग दे के सफर में अगले हफ्ते के लिए जगह बना लेगा। तो चलिए रंग जाते हैं इस आखिरी रंग में, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए नानू का। परफॉर्मेंस शुरू करने से पहले अपने गुरु जी के बारे में कुछ बताइए हमें प्लीज। गुरुजी के बारे में मैं इतना बताना चाहूँगा कि गुरु तो भगवान है और उन्होंने मुझे जो दिया है ये अलौकिक है, तो बस उन्हीं की एक चीज़ सुनाना चाहूँगा। बहुत खूब, ऑल द बेस्ट। मोरे नैन
बसो हमारी नागरे, हम मांगे कैसा लग रहा है? जैसा पहले लग रहा था वैसा लग नहीं रहा, पता नहीं क्यों गला सूख रहा है आज। नहीं, तुम्हारी जो गाना है तुम्हारी रेंज से बाहर है। नहीं, गाया अच्छा, लेकिन वो कहीं बहक जाते थे। चलिए, पास हो गए। थैंक यू। ठुमरी बहुत खूबसूरत तरीके से उस्तादों ने गाई है, खासतौर पर जब इस टाइप की आइटम गानी है तो थोड़ा सा उसका और रियाज होना चाहिए। आपसे तो वैसे उम्मीद है जी। शुक्रिया नानू, आपने बहुत अच्छा गाया, शुक्रिया। तो ये था नानू का गुरु भक्ति का रंग। मोहे रंग देने आज कोशिश की है पूरी दुनिया को समझाने की कि गुरु बिन ज्ञान अधूरा है, गुरु बिना जीवन नहीं पूरा है। गुरु भक्ति के बाद अब बात करते हैं सुरक्षा सेतु की। चलिए बुलाते हैं हमारे बाकी रत्नों को और पता करते हैं कि क्या वो खरे उतरे हैं आज के फैसले पर। सातों के सात रत्न यहाँ आ चुके हैं और अब हम सुरक्षा सेतु की बात करेंगे। उससे पहले नानू आपसे पूछना, रहमान आप सुरक्षित हो गए हैं हमारे गुरुजनों से, गुरु भक्ति के बारे में आपने क्या सीखा? मैंने ये सीखा कि जब कंपटीशन में आदमी इंसान जब गाए तो बड़ा ध्यान रखे और बड़ा सुकून से जो भी स्वर लगाए बहुत सुकून से लगाए तो आगे बढ़ सकता है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। गुरु भक्ति का रंग और सच्चे सुरों का ये सफर अब यही खत्म होता है, लेकिन मोहे रंग दे जो मुहिम चला रहा है वो मुहिम जारी रहेगी। कल हम फिर आएंगे इन छह रत्नों के साथ और कल हम लेकर आएंगे समर्पण यानी डिवोशन के रंग। तो मिलते हैं कल समर्पण और संगीत के साथ। तब तक कोरे मन से, कोरे तन से कहिए हमसे मोहे रंग दे। के लिए हम लोग सब जगह गए, हर जगह माथा टेका, गुरुद्वारे गए, वैष्णो देवी गए और बाद में जाके हमें एक ऐसी बहन मिली जिसने छोटेपन से ही इसकी हरकतों ने बता दिया था कि अच्छा गा सकती है। इश्क करो, इश्क करना तुम्हारा पैदाइशी हक है, मगर क्यों ना इस बार वतन की मट्टी को माशूक करना।